जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के, 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के, तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। ये वो पैसे हैं जिनसे आपके लिए पाठशालाएं बननी थी, आपके लिए नए उद्योग बनने थे। कोरोना था, पब्लिक तरस रही है ऑक्सीजन के लिए, पब्लिक सड़क पे भटक रही है कि कोई हमें मदद कर ले, हमें दवाई खिलवा ले, हमें ऑक्सीजन दे दे, सैनिटाइजर मिल जाए, और आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि आप पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे? तो उस समय स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए क्यों नहीं खर्चे? जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे शहर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं चाहे आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठा है क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के? क्या है इसमें खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? ये सारा पैसा, ये सारा सारी संपत्ति किसकी है जो दी जा रही है? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? BHEL दे दिया, HEL दे दिया, रेलवे दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, छोड़ा क्या है इस देश के लिए? आपको याद है टाटा बिरला? ये नहीं है कि इस देश ने कभी बड़े बड़े उद्योगपति देखे नहीं, जो बुजुर्ग बैठे हैं जानते हैं, बिरला टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आजादी के आंदोलन में भी मदद की, सब जानते थे कि बनाते क्या है, टाटा की ट्रक, गाड़ियां, फिर आपने देखा कि चलो दांत मंजन कोई बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई साड़ियां बना रहा है, कोई पुस्तक बना रहा है, ये तो मान जानते थे ना। मैं पूछना चाहती हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी क्या बना रहे हैं? पैसा बना रहे हैं, और कुछ बना ही नहीं रहे। जो आपने बनाया इन्हें दिया जा रहा है मुफ्त में।